सभी का तैयबा ये किचन चैनल में स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक को। मैं बनाऊंगी सिर्फ और इसे बनाई हूँ मैं सिर्फ 3 चीज़ों से, इसीलिए आपको स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखना और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना। और मैंने इधर लिया है 5 पैकेट ओरियो बिस्किट के। अब हम एक बॉल को ले लेंगे। अब हम इसमें बिस्किट को फाड़ के डाल लेंगे। सारे हम 5 पैकेट बिस्किट को इसमें डाल लेंगे फाड़ के। और एक एक बनाने के लिए हम दूसरा बिस्किट इसमें नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ चॉकलेट बिस्किट ही यूज़ करेंगे। और दूसरा कोई क्रीम, दूसरा क्रीम का हो तो चलेगा, मगर हमें इसमें सिर्फ क्रीम बिस्किट का यूज़ करना है। और बाकी जो पार्ले जी और दूसरा बिस्किट आता है नॉर्मल बिस्किट, वो हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। चॉकलेट केक बनाने के लिए हम सिर्फ चॉकलेट बिस्किट ही लेंगे। चलिए सारे बिस्किट को हमने पैकेट से निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, मैंने जो ये जो बिस्किट में क्रीम अंदर क्रीम रहता है, हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे। सारे ऐसे बिस्किट को हम निकाल के अलग कर लेंगे, क्योंकि जो हम नमक में या इसमें पानी में पकाते हैं तो एक क्रीम ना गीला गीला हो जाता है, केक स्पंजी नहीं बनता है। हम इसको ओवन की ओवन में पका रहे हैं, ओवन में या माइक्रो ओवन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्रीम भा सकते हैं उसमें, परफेक्टली बन के तैयार रहेगा। उसका टेम्परेचर के हिसाब से वो पक जाएगा। हम जो नमक या पानी में यूज़ करते हैं, गलती से भी आप एक क्रीम को ना डालें। आप इसमें मीठे के लिए शक्कर डाल सकते हैं। चलिए मेरा क्रीम भी निकाल के हो गया है, मैंने क्रीम अलग से निकाल लिया है और क्रीम को मैं निकाल के रख दूँगी अलग से, मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी क्रीम। और मैं सजेस्ट करूँगी ये क्रीम ना डालें, नहीं तो केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। आप ओवन में बना रहे हो तो डाल सकते हैं। चलिए हम ये सारे जो बिस्किट है इसको अच्छे से बारीक बारीक टुकड़े में तोड़ लेंगे। हमें ऐसे ही बड़ा बड़ा करके नहीं डालना है, सारे हम टुकड़े टुकड़े करके तोड़ लेंगे। और ये सारे बिस्किट को हमें ऐसे ही बारीक टुकड़े में तोड़ लेंगे। हम बारीक बारीक करके तोड़ने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं। आप इसको ऐसे ही दूध में थोड़ी देर रख के आप इसको सॉफ्ट कर सकते हैं इसका आटा, मगर ये जो होता है ना आटा आटा लगता है, केक जो स्पंजी नहीं बन पाता है बराबर, इसीलिए मैंने इसको टुकड़ा करके अब इसको साइड निकाल लेती हूँ। और एक मिक्सर का जार लेंगे, अब हम इसको डाल के इसमें पीस लेंगे। इसका फाइन पाउडर बना लेना है, पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर ही बनाना है। नहीं तो हम दूध डाल के जो पेस्ट बनाते हैं ना उसमें गीला गीला ही होगा, जैसा कि कटोरे में भाग के हम दूध भाएंगे सेम टू सेम वैसे ही। मिक्सर में पीसने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें इसका सूखा पाउडर बना लेते हैं तो इसका पाउडर अच्छा बनेगा। और हमें इसमें अलग से जो जो हमें सामान डालना है हम इसमें डाल सकते हैं। चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। चलिए मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से पाउडर करके। आप इसको हल्का मोटा मोटा भी रख के पीस सकते हैं, ज़्यादा बारीक पाउडर बनाना ज़रूरी नहीं है। चलिए मेरा परफेक्ट पाउडर बन के तैयार है। चलिए मिक्सर के जार को हटा लेते हैं, फिर से हम वही बॉल रख लेंगे। अब इसमें सारा जो पाउडर बना के रखा था बिस्किट का वो इसमें हम डाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे एक ही दम, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डाल के मिक्स करना है इसमें। और इसका एक अच्छा थिक पेस्ट बना लेना है, जैसा होता है ना। चलिए मेरे पास और थोड़ा सा दूध हम इसमें कम पड़ रहा है, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप अलग से निकाल के रख लेना दूध, और थोड़ा थोड़ा ही करके डालना, ज़्यादा इसमें एक ही दम दूध नहीं डालना। ज़्यादा पेस्ट हमारा पतला हो गया तो हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। चलिए पेस्ट हमारा बन के तैयार है। हम इसमें डालेंगे एक और आधा चम्मच, मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर थोड़ा हमें मीठा चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो बिस्किट तो मीठा रहता ही है। हम इसमें नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, मुझे थोड़ा सा मीठा चाहिए था इसीलिए मैंने एक और आधा चम्मच शक्कर डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़ा इसको फेंट लेंगे अच्छे से, क्योंकि शक्कर भी हमारी पानी छोड़ेगी, इसीलिए मैंने इसमें शक्कर डाला है और दूध नहीं डाली हूँ। शक्कर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ देता है, इसलिए वो पेस्ट परफेक्ट बन के तैयार होगा। थोड़ी देर रखेंगे तो शक्कर डाल के, मैं बाद में बताऊंगी आपको पेस्ट कैसा होगा। देखिए मैंने इतना थिक पेस्ट बनाया है, ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, इतना ही थिक हमें पेस्ट रखना है।
क्योंकि बाद में और पतला होगा। और आप इसमें शक्कर नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा सा दूध डाल के और हमें पतला पेस्ट बना सकते हैं। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, अब इधर रख लेते हैं स्टीम करने के लिए। पानी गर्म कर रख लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ और मेरा ये जुगाड़ू जो रहता है गैस चूल्हे का, वही मैं इसमें रख रही हूँ। आप पूछते रहते हो स्टीम करने के लिए आपने क्या रखा है क्या रखा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं जो गैस का चूल्हा होता है ना चूल्हे का, वो स्टैंड इसमें रखती हूँ और ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे पास स्टैंड है, मैं नहीं बनाती हूँ। अभी इधर ले लिया मैंने एक पैकेट इनो। और मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जो आप क्वांटिटी में बिस्किट लेंगे तो उसी क्वांटिटी में आप इसको इनो डालना इसमें, और इसमें ज़्यादा कम नहीं करना। मैंने इसमें 5 पैकेट बिस्किट का लिया है, इसलिए एक पैकेट मैंने इसमें इनो डाला है, नहीं तो झाम और झाग झाग जो आता है ना वो अच्छा नहीं बनेगा इसमें, और केक हमारा स्पंजी नहीं होगा। चलिए इसको भी अच्छे से, बाकी मैंने फेंट लिया है और मैं इसको इनो डाल के डायरेक्ट हम इसमें, हमें जो कंटेनर हम जो ले रहे हैं डिब्बा केक बनाने के लिए, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हमें इनो डाल के नहीं रखना है, इनो डाल के तुरंत हमें इस डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देना है। चलिए मैंने इसको थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लूँगी। उसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे आजू बाजू से सब साफ तरीके से, क्योंकि हमारा केक जल्दी से डिब्बे को छोड़ दे, इसलिए हमें इसको अच्छे से घी या तेल लगा के आप इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना। चलिए अब जो हमने जो पेस्ट बना के, देखिए कितना पतला हो गया पेस्ट, ज़्यादा जाड़ा नहीं है, इतना ही रहना चाहिए, इतना परफेक्ट बन के तैयार हो। अब इसको हम सारे पेस्ट को इस कंटेनर में जो हम केक बनाने की डिब्बा है उसमें हम डाल लेंगे। चलिए डाल के मैं जो इसे सिर्फ टैप करेंगे, उसको चम्मच से नहीं हिलाना है। मैं चम्मच से हिला रही थी, आपने उसको चम्मच से नहीं हिला के हिलाना नहीं है। चलिए मेरा पानी भी इधर स्टीम होने के लिए गर्म हो गया है, हम इस केक को केक के डिब्बे को रख के स्टीम कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट लगेगा केक बनने में। चलिए हमारा केक भी बन के तैयार है, परफेक्ट केक बना है। ऐसा जो खुलता है ना केक तो परफेक्ट बन के तैयार होता है। आप इसको सामने से काट के भी, आप इसमें बीच में क्रीम डाल रहे हो तो डाल सकते हो। देखिए मैंने चाकू इसमें डाल लिया था, सिर्फ सूखी चाकू आ रही है, कुछ भी गीला नहीं है। एक बार आप चाकू डाल के ज़रूर चेक करना, क्योंकि केक हमारा गीला होगा तो लग के आएगा। मैं नहीं लगाया, अब हम इसको साइड साइड से लूज कर लेंगे। केक को मैंने काट के ठंडा कर लिया था, ठंडा करके हमें इस केक को निकालना है, और इसको हम ऐसे ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि ठंडा नहीं होगा तो केक हमारा केक डिब्बे को नहीं छोड़ेगा। ठंडा करके इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है हमें, ठंडा करके केक निकालना है। मैंने चाकू से इसको साइड से लूज़ कर लिया था, अब मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितना स्पंजी और कितना सा सॉफ्ट बना है केक, दिखने में ये लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में स्पंजी और एकदम सॉफ्ट केक बना है। मैं इसमें अब मैंने इधर ले लिया है डार्क चॉकलेट। अब चॉकलेट को हमें अच्छे से काट के इसको मेल्ट कर लेना है, क्योंकि हमें चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसमें हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है चॉकलेट केक के लिए। चलिए मैंने इधर चॉकलेट ले लिया है, मैंने इसका 2 हिस्सा काट लिया है। अब इसको थोड़ी क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा ही लेना, मैंने इसको ज़्यादा काट लिया था। चलिए अब इसको मैं 4 टुकड़े में कर लूँगी, इतना बड़ा भाग के मैं मेल्ट नहीं करूँगी, इसमें 4 कर लूँगी। आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके आप मेल्ट कर लेना। अब मेल्ट करने का मैं तरीका भी बताऊंगी इसमें आपको। चलिए मेरा चॉकलेट काट के हो गया है, इधर ले लूँगी मैं छोटा सा भांडा। अब हमें सारा चॉकलेट इस भांडे में डाल लेंगे, डाल के हमें कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है, हम सिर्फ आधा गिलास इसमें आधे से थोड़ा कम दूध डालना है, और दूध डाल के हमें इसको मेल्ट होने के लिए चलाते जाना है चम्मच से। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गर्म पानी रखो, अलग से बॉयल रखो, अब उसमें अलग से डाल के चलाते जाओ, ऐसा नहीं करने नहीं बहुत ही आसान सा बता रही हूँ मैं आपको। अब सिर्फ उसमें दूध डालिए और आप इसको चूल्हे पर रख के मेल्ट करते जाइए। सिर्फ चॉकलेट जैसा ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसमें दूध का अच्छा भी टेस्ट आएगा। चलिए चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से, अब डाल लेते हैं। हमारा केक भी पूरा परफेक्टली ठंडा हो चुका है, अब डाल लेते हैं इसको
केक के ऊपर। हमें ऐसे ही डालना है इसको, चम्मच गिम्मच से हलाना नहीं है थोड़ा भी। हम इसको ऐसे सर से डालते जाएंगे, हमारा जो चॉकलेट है वो आप अपने आप सेट हो जाएगा। हमें इसको थोड़ा 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 ही हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा ही हिलाया सिर्फ उसको साइड साइड में लगाने के लिए। देखिए हमारा चॉकलेट ये कितना टेस्टी बन के तैयार है, बहुत ही ज़्यादा ये हुआ है। और डेकोरेशन के लिए जो आप 1 रुपये वाले जो ये रहते हैं जेम्स गेम्स, वो भी डाल सकते हैं। मैंने इधर वो 1 रुपये वाला जो चॉकलेट आता है ना वाइट, मेरे पास चॉकलेट नहीं थी इसीलिए मैंने ये चॉकलेट का यूज़ किया है। ये हमें अच्छे से एक एक करके मैंने 5-6 चॉकलेट लगा लिए है, 5-6 से ज़्यादा है। और थोड़े से हम इसमें डाल लेंगे, बच्चों के लिए केक बना रहे हैं तो इसमें जेम्स ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के लिए। चलिए सारे चॉकलेट मैंने इधर लगा लिए हैं और जेम्स में मैंने डाल लिया है। और मेरे कल ही 1000 सब्सक्राइब पूरे हुए हैं। आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे तो हम बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, तब तक के लिए छोटा ही केक मैंने बनाया है। देखिए मैंने, चलिए केक मैंने इधर काट लिया है, देखिए कितना मस्त बढ़िया लग रहा है, दिखने में भी उतना अच्छा लग रहा है। केक हमने यहाँ मार्केट से लाया, ऐसा लग रहा है केक ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं है मार्केट का। घर में आप ऐसे ऐसे मैं जैसा बताई हूँ वैसे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपके घर में गेस्ट विस्ट आएंगे तो आप इनको ये केक बना के सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ भी करेंगे ऐसे ही ऐसे बनाएंगे तो। चलिए मेरा ये, और मैंने एक चीज़ इसमें शूट करना भूल गई, वो था वेनिला एसेंस डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर भी अच्छा लगेगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और स्मेल भी अच्छी आएगी। चलिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।